भरोसा खुद पे रखो तो ताकत बन जाता है, और दूसरों पे रखो तो कमजोरी बन जाता है। नमस्कार, स्टीचन सर में आपका स्वागत है। आइए आज हम देखेंगे बेल्ट ब्लाउज का स्टिचिंग। इस बेल्ट ब्लाउज को हर जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है। कई जगह इसको हाफ कटोरी ब्लाउज बोलते हैं, कई जगह बॉम्बे कट ब्लाउज बोलते हैं, और कई जगहों पे इसको बेल्ट ब्लाउज भी बोला जाता है। आइए शुरू करते हैं बेल्ट ब्लाउज का स्टिचिंग। आइए आज हम सीखेंगे बेल्ट ब्लाउज का स्टिचिंग। ये हमारा बैक पार्ट है, ये हमारे प्लेटों के निशान है दोनों साइड। बैक पार्ट में दो प्लेट्स पड़ते हैं, ये उसका मार्क है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, इसमें चार डॉट लगेंगे। ये देखिए, एक दो तीन और चौथा डॉट, ये रहा। और ये हमारा बेल्ट है। चलिए इसकी सिलाई शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपना चारों प्लेट के सिलाई करते हैं। जैसे जैसे है हमारा माप, उस हिसाब से हम अपना पकड़ के चारों प्लेट्स का सिलाई कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने अपने बैक पार्ट में भी दोनों प्लेटों के निशान लगा लिए हैं, सिलाई कर लिया है। डबल सिलाई करना है सभी प्लेटों पे। ये देखिए, मैंने डबल सिलाई किया हुआ है दोनों प्लेट पे। ये मैंने फ्रंट पार्ट में चारों प्लेटों पे सिलाई लगा लिया है इस तरह से। अब हम फ्रंट पार्ट में बेल्ट जोड़ेंगे। तो बेल्ट जोड़ने के लिए हम, ये देखिए, इस तरह से रखेंगे बेल्ट को, सीधे तरफ से रखें बेल्ट को इस तरह से, और बराबर मिलाते हुए इस तरह से, और हम यहाँ से यहाँ तक पूरी सिलाई कर लेंगे। हमारा जितना भी साइड में एक्स्ट्रा निकलेगा उसको हम बाद में कटिंग कर लेंगे। चलिए सिलाई करते हैं। एक चीज दिखाना चाहूंगी आपको जो कि बहुत जरूरी है। जो हमने अपने फ्रंट पार्ट के नीचे के प्लेट जो हमने लगाए हैं, उसको इस तरह से बैक साइड में इस तरह से मोड़ते जाएं, नहीं तो यहाँ पे खिंचाव आएगा कपड़े में। इस तरह से मोड़ लेंगे, इस तरह से फोल्ड कर लें बैक साइड में। हमारे बैक के साइड में इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, हमारा साइड का पोर्शन है, तो हम इस तरह से ऊपर की तरफ फोल्ड कर लेंगे, और तब बेल्ट को यहाँ पे हम ज्वाइंट करेंगे ताकि हमारा यहाँ झोल ना आए कपड़े में। ये देखिए, इस तरह से हमारे दोनों फ्रंट पार्ट में बेल्ट जोड़ चुका है। ये देखिए इस तरह से। अब हम ऊपर से
इस ब्लाउज पीस में हमारा कपड़ा कम था, इसलिए मैंने डबल बेल्ट नहीं लगाया है, सिंगल बेल्ट है। तो इस ये जो मार्जिन है उसको नीचे की तरफ करते हुए हम ऊपर से यहाँ तक दाग सिलाई लगा देंगे, ताकि हमारा ये कपड़ा अच्छे से सेट हो जाए। इस तरह से हमने यहाँ से यहाँ तक जो भी मार्जिन है इस तरह नीचे की तरफ रखते हुए मैंने ऊपर से एक सिलाई लगा लिया है। इस तरह से जब प्रेस हो जाएगा तो जो भी थोड़ा बहुत इधर झोल दिख रहा है तो बिल्कुल बराबर हो जाएगा हमारे इस तरह से। ये जो भी थोड़ा बहुत तिरछा कपड़ा है हम उसको इस तरह से बराबर कर लेंगे। ये साइड में भी जो हमारा बेल्ट का कपड़ा इतना एक्स्ट्रा है उसको भी हम कट कर लेते हैं। इस तरह से हमारा ये देखिए दोनों फ्रंट पार्ट बेल्ट लग के तैयार हो गया है। अब हम हुक और आई की पट्टी लगाएंगे। ये देखिए आई की पट्टी जो है हमारे ब्लाउज के लेफ्ट पार्ट में लगता है, ताकि ये हम राइट हैंड में हुक की पट्टी लगाते हैं और लेफ्ट में आई की पट्टी लगाते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने पट्टी तैयार कर लिया है काट के। इसकी चौड़ाई 4 इंच है, आप 3.5 इंच या 4 इंच चौड़ा इस तरह से एक पट्टी काट लिए, और ये हमारा जितना लंबाई है इस तरह से नाप के उससे 1/2 इंच ज्यादा ही लंबाई से कट करें, और इसको हम इस तरह से उल्टे साइड से देखिए ये उल्टा साइड है, हम इधर से पट्टी को रखेंगे और इस तरह से यहाँ से यहाँ तक सिलाई कर लेंगे। एक्स्ट्रा जो भी ऊपर है वो हम बाद में कट कर लेंगे। देखिए हमने सिलाई कर लिया है इस तरह से। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और पूरा यहाँ से यहाँ तक इस तरह से मोड़ के, और जो भी ये हमारा मार्जिन है उसको अंदर की तरफ दबाते हुए इस तरह से दबाते हुए हम अंदर की तरफ और यहाँ से यहाँ तक ऊपर से सिलाई मार लेते हैं। देखिए इस तरह से देखिए कितना सफाई से ये हमारे आई की पट्टी लगी है। अब हम यहाँ किनारे पे भी एक सिलाई चला लेंगे, ताकि ये जो हमारा कपड़ा उठा उठा दिख रहा है वो सेट हो जाए, और जो हमने अभी सिलाई लगाया है ऊपर से उससे
थोड़ा गैप करते हुए एक और सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने किनारे पे भी एक सिलाई लगा लिया है और यहाँ इस सिलाई के थोड़ा गैप करके एक और सिलाई लगा लिया है। इसी दोनों सिलाइयों के बीच में हम अपना आई का बनाएंगे, जो हमारा हुक लगने वाला आई बनता है वो हम बनाएंगे। अब हम हुक की पट्टी लगाएंगे इस तरह से। देखिए मैंने ये 2 से 2.5 इंच 2 इंच या 2.5 इंच चौड़ी पट्टी काट ले और लंबाई हमारे ब्लाउज के अकॉर्डिंग होगा इस तरह से। ये देखिए मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा ही काटा हुआ है और हम इसको इस तरह से डबल कर देते हैं, फोल्ड कर देते हैं इस तरह से। और अब हम इसको इस तरह से नीचे से हम अपनी पट्टी रखेंगे, आई हुक की पट्टी रखेंगे इस तरह से। सीधी साइड से हम पट्टी को रखेंगे और उल्टी तरफ पलट लेंगे इस तरह से रखते हुए। हम पूरा यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए हमारी पट्टी इस तरह से जुड़ गई है। अब हम इसको इस तरह से मार्जिन को इधर पट्टी की तरफ करते हुए दबाते हुए ऊपर से एक हम सिलाई लगा देंगे ताकि ये हमारा मार्जिन दब जाए। उसके बाद इस तरह से पलट लेंगे अंदर की तरफ और इस पे तुरपाई कर लेंगे। अब मैं इसको अंदर फोल्ड करते हुए इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर दूंगी और एक कच्ची सिलाई लगा लेती हूँ। हम कच्ची सिलाई बाद में खोल लेंगे जब तो हम तुरपाई कर लेंगे। पूरा यहाँ से यहाँ तक कच्ची सिलाई मारती हूँ मैं। ये देखिए मैंने कच्ची सिलाई लगा ली है। मैं इसे बाद में खोल दूंगी जब मैं तुरपाई कर लूंगे। अब हम अपना बैक पार्ट उठाएंगे, बैक पार्ट को सीधा रखेंगे इस तरह से, सीधे साइड पे रखेंगे और इसके ऊपर अपने फ्रंट को हम उल्टा रखेंगे इस तरह से। ध्यान दीजिएगा मैंने अपने बैक साइड को सीधा रखा है और इसके ऊपर मैंने फ्रंट को उल्टा करके रखा है, तो ये सीधा सीधा हमारा दोनों अंदर हो जाएगा और ये हमारे कंधे जुड़ जाएंगे इस तरह से। यहाँ से यहाँ हम कंधे ही जोड़ लेंगे, फ्रंट बैक को जोड़ लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारा फ्रंट और बैक
जुड़ चुका है इस तरह से। अब हम अपने हुक और आई की पट्टी को नापेंगे बराबर है या नहीं। ये देखिए, मैं नजदीक से दिखाना चाहती हूँ आपको। ये देखिए, हमारे हुक और आई की पट्टी जो है बिल्कुल बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। अगर आपका छोटा बड़ा हो जाता है तो आप इसे कट कर सकते हैं इस तरह से। ये देखिए, सबसे पहले इस साइड में हम एक सिलाई मार लेते हैं एकदम किनारे पे। इस तरह से अपने ब्लाउज को फैला लेंगे पूरी तरह से। इस तरह से और अपने कमर का और चेस्ट का मार्किंग कर लेते हैं। ये पहले हम टोटल नाप लेंगे हमारा कितना हो रहा है यहाँ से यहाँ तक। ये देखिए 22 इंच हो रहा है और हमें कितना चाहिए, 19 इंच चाहिए, यानी 38 हमारा तैयार चाहिए। तो कितना ज्यादा हो रहा है देखते हैं, 20, 21 और 22, 3 इंच ज्यादा हो रहा है। तो हम आधा आधा करेंगे तो 3 का आधा हो जाएगा 1.5 इंच। तो हम यहाँ 1.5 इंच पे मार्क कर लेंगे इस साइड और 1.5 इंच इस साइड मार्क कर लेते हैं इस तरह से। ये देखिए, यहाँ से भी हमने 1.5 इंच पे मार्क किया और यहाँ से भी 1.5 इंच पे हमने मार्क कर लिया है। अब बारी आती है कमर की। तो इस साइज में मेरा कमर है 33। तो हम सेंटर से नापेंगे। ये देखिए, इस तरह से हटा के मैं आपको अच्छे से दिखाना चाहूंगी। सबसे पहले हमारा ब्लाउज 15.5 इंच तैयार है। तो यहाँ शोल्डर के पास से 15.5 पे मार्क कर लेते हैं इस तरह से। ये देखिए, इतना हमारा जो एक्स्ट्रा नीचे जा रहा है वो हम फोल्ड करके तिरपाई कर लेंगे। तो जो हमारी हुक की पट्टी लगी है जो हमने अंदर की तरफ मोड़ा है, वहां से हम 33 इंच हमारा कमर है। तो इस तरह से हम उसका चौथा भाग हो रहा है 8.25 इंच। तो यहाँ से हम 8.25 पे इस तरह से मार्क कर लेंगे। ये देखिए, ऐसा ही हम दूसरे साइड भी करेंगे। इधर हमारी आई की पट्टी लगी है जो हमारा ये एक्स्ट्रा जा रहा है। तो आई की पट्टी को छोड़ते हुए हम 8.25 पे मार्क करेंगे। ये देखिए, ये आई की पट्टी यहाँ से जुड़ी है
मैं इसको छोड़ते हुए 8.25 के मार्क करूंगी इस तरह से। ये देखिए यहाँ हमारा 8.25 इंच आ रहा है, इधर भी अपने ब्लाउज के लंबाई का मार्क कर लें। हमें कितना तैयार चाहिए, हमें 15.5 इंच तैयार चाहिए। ये हमारा ये 15.5 पे आ रहा है इस तरह से, इतना हमारा होल्ड हो जाएगा और सुरपाई हो जाएगा इसमें। इस तरह से हम पूरा मार्किंग कर लेते हैं। और हम सबसे पहले मैं इस तरह से थोड़ा थोड़ा कपड़ा फोल्ड करके एक सिलाई मार दूंगी उल्टी साइड, इस तरह नीचे की तरफ, और इतना फोल्ड करके हम बाद में सिपाई कर लेंगे। ये देखिए मैंने नीचे से ये फोल्ड कर लिया है, कच्ची सिलाई मार लिया है। ये कच्चे सिलाई को हम सिपाई करते समय खोल देंगे। अब हम अपना फिटिंग का कर लेते हैं, साइड का फिटिंग। ये देखिए यहाँ से हम 8.25 से मार्क करेंगे और दूसरे साइड भी हम 8.25 से मार्क कर लेंगे। यहाँ से देखिए ये 8.25 से मार्क हो गया। अब हम अपने चेस्ट के मार्क को, कमर के मार्क से मिला लेंगे दोनों साइड, ऐसा ही करेंगे इस तरह से अपने कमर के मार्क को और चेस्ट के मार्क को इस तरह से हम मिला लेंगे। ये देखिए और दोनों तरफ सिलाई कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से अपना ब्लाउज का साइड का फिटिंग हो गया है, कमर और चेस्ट का। एक बार सिलाई करने के बाद वापिस अपना कमर और चेस्ट जरूर नाप लें। मैं आपको नाप के दिखाती हूँ।
ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक हमारा कमर ये देखिए 19 इंच हमारा चेस्ट तैयार हो रहा है। ये देखिए इस तरह से, और हमारा कमर 33 इंच है। तो ये देखिए इस तरह से हमारा कमर ये 16.5 इंच के इस तरह से हमारा कमर तैयार है। तो हमारा फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आया है। अब हम इसमें गले का पट्टी जोड़ लेंगे इस तरह से, और मैं आपको बाजू जोड़ने का तरीका, सबसे आसान तरीका बता रही हूँ। ये देखिए, बाजू जोड़ने के लिए सबसे आसान तरीका यही है कि आप अपना ब्लाउज का फिटिंग देने के बाद आप यहाँ शोल्डर के सिलाई के पास से इस तरह से जितना आपको सिलाई में लेना है उसको छोड़ते हुए इस तरह से इंची टेप को घुमाते हुए, ये देखिए ये हमारा 9 इंच आ रहा है आर्म होल, यानी डबल में 18 इंच आ रहा है। तो इसके लिए अब हम अपने बाजू को उठाएंगे और हमारे बाजू की मोहरी है 14 इंच, तो उसका आधा हमने लिया है, टोटल राउंड 14 इंच है तो 7 ले लिया है। और हमने अपने ब्लाउज में आर्म होल नापा है 18 इंच, तो हम यहाँ से इस तरह से तिरछा नापेंगे यहाँ से रखते हुए सिलाई का छोड़ते हुए, और जहाँ पे भी हमारा 18 का आधा होता है 9, तो हम यहाँ पे इस तरह से 9 इंच पे मार्क कर लेंगे और अपने मोहरी के सिलाई से मोहरी के मार्क पे मिलाते हुए इस तरह से सिलाई कर लेंगे। दूसरे बाजू में भी हम ऐसा ही करेंगे, इस तरह से रखेंगे ऊपर से, और जहाँ पे हमारा 9 आ रहा है वहाँ पे इस तरह से मार्क करके और अपने मोहरी के सिलाई मार्क से मिला लेंगे और सिलाई करके हम अपने ब्लाउज में जोड़ देंगे। इस तरह से हमारे दोनों बाजू तैयार हो गए हैं। अब हम अपना ब्लाउज का पार्ट उठाएंगे और ब्लाउज को हम उल्टा रखेंगे इस तरह से, और अपने बाजू के आर्म होल को
फ्रंट और बैक के आर्म होल को देखते हुए हम सिलेंगे। इस तरह से हम अंदर से बाजू को रखेंगे और इस साइड से यहाँ सिलाई से सिलाई मिलाते हुए इस तरह से सिलाई मिलाते हुए हम अपने चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे, डबल सिलाई कर लेंगे हम। मैंने अपने एक बाजू को जोड़ लिया है इस तरह से। देखिए कितने अच्छे से तरीके से जुड़ा है, कहीं कोई झोल वगैरह नहीं आया है। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए नज़दीक से मैं दिखाना चाहूँगी आपको, बैक साइड में भी देख लीजिए। और बिल्कुल ये हमारे ब्लाउज का और बाजू का सिलाई एकदम मिल रहा है, आमने सामने आ रहा है, कोई तिरछा टेढ़ा नहीं है। इसी तरह से हम अपना दूसरा भी बाजू जोड़ लेंगे। उसके बाद हम पट्टी लगा लेंगे इसमें, और पट्टी लगाने के बाद हम इसमें तुरपाई कर लेंगे, अंदर की तरफ फोल्ड करके क्रॉस पट्टी काटेंगे और जोड़ लेंगे। ये देखिए मैंने इस तरह से क्रॉस पट्टी काटी हुई है, ये देखिए इस तरह से, ये देखिए किस स्ट्रेच हो रहा है। इसमें मैं पट्टी लगाऊंगी, इस तरह से फोल्ड करूंगी पट्टी को, और तब यहाँ से इस तरह से थोड़ा बाहर निकाल के, और इस तरह से हम पूरे गले में पट्टी लगा लेंगे और अंदर की तरफ फोल्ड करके इस तरह हम सिपाई कर लेंगे। इस तरह से हमारे बेल्ट ब्लाउज का सिलाई पूरा होता है। ऐसा करती हूँ, समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। अगर आपने हमारे चैनल से कुछ सीखा हो तो इसे सब्सक्राइब करें। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें। अगर आप इस वीडियो के अंत तक पहुंचे हैं तो इसे शेयर करें। हमारे वीडियो की हर नई जानकारी सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।